कैसे हैं दोस्तों, यस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम योजना PMVVY एक नई योजना बताने जा रहे हैं। सो आप ध्यान से देखिएगा, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसके बारे में थोड़ा बता दिया जाए क्योंकि हर चीज़ लिख नहीं सकते बोर्ड पर। अरुण जेटली ने बजट पेश करते समय, यह इस साल अरुण जेटली ने जब बजट पेश किया था तो यह योजना की चर्चा की थी और बताया गया था। तो यह योजना के बारे में आपको बता दिया जाए जरा सा थोड़ा बहुत कि ये योजना वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल और उसके ऊपर हैं उनके लिए ही योजना बनाई गई है। यह योजना में पहली तो सीमा मतलब निवेश की सीमा दुगनी की गई है और उम्र में सीमा में 2 साल की बढ़ोतरी की गई है और थोड़ा बहुत बदलाव करके ये नई तरह से ये योजना पेश की गई है। तो इसे आखिर तक देखिएगा। शुरू करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 60 साल और उसके ऊपर जो होंगे उन्हीं के लिए ही ये योजना है। निवेश सीमा कितनी है? 15 लाख रुपये तक। आप 15 लाख रुपये तक इसमें निवेश कर सकते हैं। अब इसमें 10 वर्षों के लिए पेंशन योजना है। एक्चुअल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो ये योजना शुरू की है पेंशन योजना है एक तरह से। तो जिसमें आप इसमें जितनी रकम अमाउंट जमा कराएंगे वो 10 साल के बाद आपको मासिक या फिर वार्षिक आप ले सकते हैं पेंशन। तो इसमें बताया गया है कि मासिक पेंशन 10 वर्षों में 8%। अगर आप 10 वर्षों के लिए ही रखना है मासिक पेंशन, अगर रख रहे हैं तो 8% गारंटी से आपको रिटर्न मिलेगा। और अगर वार्षिक 10 वर्षों के लिए रख रहे हैं तो कितना मिलेगा? 8.3% रिटर्न आपको मिलेगा। यह योजना जो शुरू की गई है इस योजना में GST में छूट दी गई है, मतलब इस योजना में GST नहीं लगेगी। दूसरी बात, भारत सरकार ने यह योजना जो शुरू की है उसको किसके साथ टैप किया गया है? LIC के साथ में मिलकर यह योजना शुरू की गई है। ठीक है, अब इसमें कहा जाए कि वरिष्ठ नागरिक हैं, 60 साल के ऊपर के नागरिक होते हैं तो बीमारियों का भी प्रॉब्लम है, जैसे उम्र बढ़ती है वैसे बीमार भी होते हैं। तो पॉलिसी सरेंडर करने के लिए भी प्रावधान दिया गया है कि अगर 10 साल के पहले कोई पॉलिसी सरेंडर कर रहा है कि हमें अब पॉलिसी के पैसे वापस चाहिए, किस केस में? गंभीर परिस्थिति, मतलब इलाज के लिए वो गंभीर परिस्थिति में है और इलाज करवाना है, उसी कंडीशन में उनको ये पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। और जितनी की पॉलिसी ली गई हो, 15 लाख रुपये तक की है सब, जो जितनी की कराई गई होगी उतने का 98% रुपया ही वापस मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद पॉलिसी पर लोन की सुविधा भी दी गई है। लोन की सुविधा की आपकी बात करें तो जैसे LIC में आप प्रीमियम भरते हैं तो 3 सालों के बाद आप उस या 4 सालों 5 सालों के बाद लोन ले सकते हैं अपने ही प्रीमियम के ऊपर से। उसमें इसमें भी है कि 3 साल पूरा होने के बाद, जिस दिन से आपने पॉलिसी शुरू की है उस दिन से 3 साल पूरे होने के बाद आप प्रीमियम लोन की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और जितने का भी आपने प्रीमियम ये पॉलिसी ली है उसका 75% ही लोन मिलेगा, जो वार्षिक 10% ब्याज रहेगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पूछ सकते हैं, आप याद रखिएगा। कितना? 3 सालों बाद का लोन मिल सकता है, आपने जितने की पॉलिसी ली है उसका 75% मिलेगा और 10% सालाना ब्याज के ऊपर। फिर आखिरी है पॉलिसी पूरी होने से पहले मृत्यु। अगर पॉलिसी शुरू की हो, 10 साल की पॉलिसी तो होती है, 10 साल के भीतर अगर कोई मृत्यु किसी की मृत्यु हो जाती है और अथवा कोई आत्महत्या कर ले रहा है, मृत्यु भी हो जा रही है समय के पहले प्रीमियम शुरू है और या फिर आत्महत्या कर रहा है तो उसे जितनी जो खरीद कीमत है, जितनी के अमाउंट की उन्होंने पॉलिसी ली है वो उनके नॉमिनी, दोनों केस में जो नॉमिनी होगा
उनको मूल कीमत जितने की पॉलिसी खरीदी की हुई वो नॉमिनी को वापस की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा PMVVY प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में था। आप इसे ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स में लिखिएगा। नमस्ते।